पढ़ा रही हूँ। चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, यानी कि हमारे आसपास के पदार्थ। हम लोग हमेशा अपने चारों ओर कुछ न कुछ किसी न किसी तरह का हम लोग वस्तु देखते हैं, जिसका आकार, आकृति, बनावट सब अलग अलग होता है। कोई काला है, कोई मुलायम पदार्थ है, तो कोई ठोस है, कोई द्रव है, कोई गैस के रूप में है, तो कुछ मुलायम है। मतलब कि हर तरह का हम लोग वस्तु अपने आसपास चारों तरफ देखते हैं, और उन्हीं वस्तु को हम लोग कहते हैं पदार्थ। जिसमें हम लोग सांस लेते हैं, हवा में जिससे हम लोग सांस ले रहे हैं ऑक्सीजन से, वो भी पदार्थ है। जो हम लोग खाते हैं वो भी पदार्थ है। पत्थर, बादल, तारे, पेड़, पौधा सब पदार्थ है। यहाँ तक कि और ध्यान देने वाली बात क्या है कि कोई भी वस्तु हो, पदार्थ तो कुछ भी हो, उसमें कुछ न कुछ उसका द्रव्यमान अवश्य होता है। चाहे वो 0.5 ग्राम हो या 0.1 ग्राम हो, चाहे वो 10 केजी का हो, लेकिन उसमें कुछ न कुछ द्रव्यमान जरूर होता है और वे स्थान जरूर घेरती है। छोटा सा जगह ले या बड़ा जगह ले या जितना भी जगह ले, लेकिन वह स्थान जरूर घेरती है। वह पदार्थ की विशेषता है। प्राचीन काल से मनुष्य अपने आसपास बहुत सारे वस्तुओं को अपना देख रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो प्राचीन दार्शनिक लोग थे वो पदार्थ को 5 मूल तत्वों में बांट दिए। उन लोगों को लगता था कि ये 5 तत्व है, वायु है, पृथ्वी है, अग्नि है, जल है और आकाश है, और उसके अनुसार इन्हीं 5 तत्वों से सभी वस्तुएं बनी हुई है, चाहे वो सजीव हो चाहे वो निर्जीव हो। उस समय के यूनानी दार्शनिक जो थे वो ऐसा ही उन्होंने उन लोग वर्गीकृत किया था, लेकिन आजकल के आधुनिक वैज्ञानिक लोग ने क्या वो लोग 5 तत्व पर और अग्नि और उस पर विश्वास करेंगे? नहीं, वो आधुनिक वैज्ञानिक का तथ्य बिल्कुल अलग हो जाता है। वो लोग भी 2 प्रकार से वर्गीकृत किए, लेकिन किस में? एक भौतिक गुणधर्म में किए और दूसरा रासायनिक गुण में किए। भौतिक गुणधर्म के आधार पर किए कि उनका बाहरी कैसा, उन देखने में कैसे लगते हैं, उनका रंग कैसा है, वो हल्का है या भारी है, उसको संपीड़ित किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, वह सब हो गया। चमकीला है या धुंधला है, वो सब उनका भौतिक गुणधर्म हो गया। और रासायनिक गुण के आधार पर कि वो क्या क्या रासायनिक प्रक्रिया कर सकते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि पदार्थ के बारे में जानकारी हम लोग और आगे ले रहे हैं। पदार्थ का भौतिक स्वरूप क्या है कि वह बहुत सारे कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ की प्रकृति के बारे में 2 विचारधाराएं प्रचलित थी कि एक विचारधारा का यह मानना था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह सतह होते हैं, परंतु अन्य विचारधारा का मानना था नहीं, पदार्थ रेत की उसी तरह के कणों से मिलकर बने हैं। ऐसा अलग अलग लोगों का मानना था। तो हम क्यों ना हम एक क्रियाकलाप करके देख लें। 1.1 क्रियाकलाप में सब अपने अपने बुक्स में देखो, जब 100 मिलीलीटर का हम एक बीकर लेते हैं, उसमें पानी भर देते हैं, आधा आधा पानी भरते हैं और उसमें एक निशान लगा देते हैं कि पानी का लेवल कितना है। फिर उसमें नमक या चीनी करीब 1 चम्मच या 2 चम्मच उसमें हम लोग डालते हैं, डाल के कांच की छड़ से उसकी मदद से हम लोग जग में घोल देते हैं। क्या जल के स्तर में कोई बदलाव आएगा? देखिए क्या होता है। नमक या शर्करा क्या हुआ? वह गायब हो गया। वह कहाँ चला गया? जल के अंदर ही वे समावेश हो गया। क्यों? क्योंकि हमारे कोई भी पदार्थ के बीच में जो बने रहते हैं, सब में रिक्त स्थान होता है। जो रिक्त स्थान के अंदर शक्कर या नमक वो पूरी तरह से घुल जाती है और उसमें समावेश होने के कारण हमें दिखलाई नहीं पड़ता है। जब हम नमक को घोलते हैं तो नमक के कण जल के कणों के बीच के रिक्त स्थानों में
समावेशित हो जाता है। पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं ये हम अंदाज नहीं लगा सकते हैं। इसका अंदाजा हम लोगों को नहीं कि पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं या कितने छोटे हो सकते हैं। एक क्रियाकलाप है 1.2, उसे पोटेशियम परमैंगनेट का 2 या 3 क्रिस्टल को हम लोग 100 ml पानी में घोलते हैं, मिलीलीटर पानी में घोलते हैं, और इस घोल में से लगभग 10 ml घोल निकालकर उसे 90 ml जल में मिला देते हैं। उपरोक्त घोल में से 10 ml निकालकर उसे भी 90 ml जल मिला देते हैं। इस प्रकार इस घोल को 5 से 8 बार तक तनुकृत करते रहते हैं। करने के बाद हम क्या देखते हैं कि सब जल रंगीन हो जाता है। क्यों हो जाता है? उनमें जो रिक्त स्थान जो भरे हुए हैं जल में, उसमें पोटेशियम परमैंगनेट के कण, उसके जो क्रिस्टल है वो उसमें घुलते जाते हैं, और थोड़ा ना थोड़ा सब में वो कलर रहता ही रहता है क्योंकि वो उसमें समावेश हो जाता है और क्लियर दिखलाई पड़ने लगता है कि पानी हमारा रंगीन है। चाहे हम लाल शाही डाल करके देख सकते हैं, हम ब्लू शाही भी डाल करके देख सकते हैं, देखेंगे कि वह कलरफुल हो जाता है पानी। ये कण छोटे छोटे कणों में विभाजित होते रहते हैं और अंततः पदार्थ में मिल जाते हैं। पदार्थ के कणों के कुछ अपने अभिलक्षणिक गुण होते हैं पदार्थ के कण के, कि इनके बीच में रिक्त स्थान होता है। जैसे नमक, शर्करा, डिटॉल, पोटेशियम परमैंगनेट के कण समान रूप से पानी में वितरित हो जाते हैं। इसी प्रकार जब हम चाय, कॉफी या नींबू पानी बनाते हैं तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त स्थान में समावेशित हो जाते हैं, और यह दर्शाते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच में पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। जब हम किसी रूम में या बंद कमरे या खुले कमरे में सुगंधित अगरबत्ती हम जला देते हैं या एक हम कपूर का टुकड़ा जला करके कोने में रख देते हैं, तो क्या उसका सुगंध पूरे कमरे में फैलता है? जरूर फैलता है। क्यों फैलता है? क्योंकि वह हवा में विस्तृत हो जाता है, हवा में वह मिल जाता है, और सबसे ज्यादा अंतरात्मिक स्थान किसमें होता है? वायु में, गैसों में, जिसके कारण उसकी सुगंध पूरे कमरे में फैल जाती है। उसके सुगंध के लिए हमें उसके पास जाने की जरूरत नहीं पड़ता है कि हम ठीक अगरबत्ती जहाँ जल रहा है उसके कोने में हम जाएं, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो पूरे पूरे कमरे में विस्तृत वायु में फैल जाता है, कहीं से भी उसका सुगंध हम ले सकते हैं। फिर एक क्रियाकलाप देखिए 1.5 में, एक गिलास गर्म पानी लेंगे और दूसरे में ठंडे पानी से भरे गिलास में कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल डालेंगे और एक ओर रख देंगे। क्रिस्टल को सतह पर बैठने देंगे। ग्लास में ठोस क्रिस्टल के ठीक ऊपर क्या दिखाई देता है, समय बीतने पर क्या होता है, इससे ठोस और द्रव के कणों के बारे में क्या पता चलता है, क्या तापमान के साथ मिश्रित होने की दर बदलती है, और बदलती है तो क्यों बदलती है और कैसे बदलती है, इसे हम क्रियाकलाप में दिखला रहे हैं। 1.3, 1.4 और 1.5 से हम निम्नलिखित निष्कर्ष को निकालकर अभी क्लियर कर लेंगे। क्योंकि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, वो हमेशा गतिज ऊर्जा में रहते हैं, हमेशा मूव करते रहते हैं, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने से कणों की गति और भी तेज हो जाती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। उपरोक्त 3 क्रियाकलापों में हमने देखा कि पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंतः मिश्रित हो जाते हैं।
ऐसा कणों के रिक्त स्थानों में समावेश के कारण होता है, क्योंकि वे रिक्त स्थानों में समावेश हो जाते हैं। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। हमें यह भी पता चलता है कि गर्म करने पर विसरण तेज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? कोई भी पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। 1.6 में एक देखिए, एक खेल को एक मैदान में हम लोग खेलते हैं और मानव श्रृंखला बना करके इसको समझाया जा रहा है। पहला है कि एक पहला समूह है डटकों की तरह एक दूसरे को पीछे से कसकर पकड़ ले, दूसरा समूह एक दूसरे का हाथ पकड़कर मानव श्रृंखला बना ले, तीसरा समूह है केवल उंगली के सीने से छूकर एक श्रृंखला बना ले। अब चौथा समूह है कि उपरोक्त वर्णित तीनों मानव श्रृंखलाओं को तोड़कर छोटे समूहों में बांटने का प्रयास करें। तो अब आप ये बताइए कि किस समूह को तोड़ना आसान था और क्यों था? यदि हम प्रत्येक विद्यार्थी को पदार्थ का एक कण मान लें, तो किस समूह में कणों ने एक दूसरे को सबसे अधिक बल से पकड़ रखा था? एक कील लोहे की कील, एक चौक का टुकड़ा और एक रबर बैंड ले। इन पर हथौड़ा मारकर या काटकर या खींचकर उसे भंगुर करने का प्रयास करें, तो इन तीनों में से किसके कण अधिक बल से एक दूसरे से जुड़ जाएंगे? लोहे का कील या चौक का टुकड़ा या एक रबर बैंड? तो इस तरह हम देखते हैं कि कुछ क्रियाकलाप हमने देखा और जांचा, निष्कर्ष यही निकला कि हर पदार्थ के बीच में अंतरारंग का स्थान होते हैं, जो कि अपने में वो कुछ पदार्थ को समावेश कर लेते हैं, मिला लेते हैं, ठोस भी, द्रव भी, गैस भी, लेकिन सबका आकर्षण बल किन्हीं का कम होता है और किन्हीं का ज्यादा होता है। जल का नल खोलकर जल की धार को अपनी उंगली से काटने का प्रयास करें, क्या जल की धार कटती है? जल की धार न कटने का क्या कारण हो सकता है? उपरोक्त तीन क्रियाकलाप देखते हैं, पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। यह बल कणों को एक साथ रखता है, इसे ही हम आकर्षण बल का सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है। लोहे को इतना आसानी से न हम तोड़ सकते हैं न कर सकते हैं। सबसे ज्यादा आकर्षण बल लोहे में ठोस में होता है, उसे थोड़ा सा कम द्रव पदार्थ में पाए जाते हैं और गैस में सबसे कम आकर्षण बल होता है। इसलिए कहीं भी हम कुछ सुगंधित चीज को हम जला करके छोड़ते हैं या गलत महक वाली चीज भी रहती तो सबसे पहले वायु में फैल जाती है विसरण के द्वारा और हमें तुरंत पता चल जाता है कि यहाँ किस तरह का महक आ रहा है। तो कुछ प्रश्न है, इसको हम लोग करते हैं। प्रश्न ये कि निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं? कुर्सी, वायु, स्नेह, गंध, घृणा, बादाम, विचार, शीत, शीतल पे, इत्र की सुगंध। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रेक्षण के कारण बतलाएं कि गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है, इसका क्या कारण है? तीसरा, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है? चौथा प्रश्न, पदार्थ के कणों की क्या विशेषता होती है? इन वस्तुओं के चारों ओर इन प्रश्नों का उत्तर
हम कल आप लोग को अच्छी तरह से बतलाएंगे। कल हम प्रश्नों का उत्तर और आगे की भाग को, आगे के चैप्टर को कल हम आप लोग को पढ़ाएंगे और बतलाएंगे। कुछ और वस्तुओं को चारों ओर निश्चित आकार, निश्चित इन वस्तुओं के चारों ओर पेंसिल घुमाकर आकार खींचते हैं, तो देखते कि क्या इन सभी का निश्चित आकार या स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन है। इन पर हथौड़ा मारने, खींचने या गिरने से कुछ होता है? क्या इनका एक दूसरे से विसरण संभव है? बल लगाकर इनको संपीड़ित करने का प्रयास करें, क्या यह संपीड़ित होता है? उपरोक्त सभी उदाहरण ठोस के हैं। हम ठोस को देखते हैं कि हम आसानी से संपीड़ित उसको नहीं कर सकते। हम देख सकते हैं कि इन सभी का एक निश्चित आकार होता है, अस्पष्ट सीमाएं होती है, स्थिर आयतन यानी कि नगण्य संपीड़ितता होती है। बाह्य बल लगाने पर भी ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं। बल लगाने पर ठोस टूट सकते हैं, लेकिन इनका आकार नहीं बदलता, इसलिए ये दृढ़ होते हैं। निम्नलिखित पर विचार करते हैं हम लोग। रबर बैंड को क्या माना जाएगा? क्या खींचकर इसका आकार बदला जा सकता है? क्या ये ठोस है? विभिन्न आकार के पर बर्तनों में रखने पर चीनी और नमक उन्हीं बर्तनों के आकार ले लेते हैं, तो क्या ये ठोस है? तीसरा स्पंज, स्पंज क्या है? यह ठोस है, लेकिन फिर भी इनका संपीड़न संभव है। क्यों? क्योंकि ये ठोस है लेकिन स्पंज में बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनमें वायु का समावेश होता है। जब हम इसे दबाते हैं तो इनसे वायु बाहर निकल जाते हैं, जिसमें इनका संपीड़न होना आसान हो जाता है। इसी तरह टाइम तो इस तरह हम देखते हैं कि जो ठोस है वह बाह्य बल लगाने पर भी वह आसानी से नहीं टूटते हैं और ना ही वो आसानी से चूर होते हैं। पदार्थ की अवस्थाएं, अपने आसपास के पदार्थों को ध्यान से देखते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं? हम पाते हैं कि पदार्थ अपने तीन रूप में होते हैं। ये आप लोग शुरू से ही जान रहे हैं, पदार्थ की अवस्थाएं तीन प्रकार की होती है। सिक्स्थ क्लास से ही आप लोग जान रहे हैं, ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की ये अवस्थाएं उनके कणों के विभिन्न विशेषताओं के कारण होती है। अब हम पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के गुणों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। कुछ वस्त्रों को एकत्र करते हैं, जैसे पेन है, किताब है, सुई है, लकड़ी, लकड़ी की छड़। अब है द्रव अवस्था। द्रव अवस्था हो गई, निम्नलिखित वस्तुओं को एकत्रित करें, जल, खाना पकाने का तेल, दूध, जूस और शीतल पेय, ये सब हमारा द्रव अवस्था हुआ। विभिन्न आकार के बर्तन प्रयोगशाला में एक मापक सिलेंडर की सहायता से इन बर्तनों में 50 मिलीलीटर पर निशान लगा लें। इन द्रवों को फर्ज पर डाल देने पर क्या होगा? किसी एक द्रव का 50 ml मापकर विभिन्न बर्तनों में क्रमशः एक एक करके डालें, तो क्या प्रत्येक बार आयतन एक समान रहेगा? क्या द्रव का आकार एक समान रहता है? पांचवा, द्रव को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उड़ेलने पर क्या यह आसानी से बहता है? तो इन प्रेक्षणों से हम यह पाते हैं कि द्रव का आकार नहीं, अपना इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है, लेकिन इसके आयतन निश्चित होती है। इनके आकार अनिश्चित है लेकिन आयतन निश्चित होता है। जिस बर्तन में इन्हें उड़ेलते हैं वे उसी के आकार का ले लेते हैं। तो द्रवों में बहाव होता है इसलिए इनका आकार बदलता रहता है।
इसलिए ये दृढ़ नहीं है लेकिन तरल होते हैं। हम 1 लीटर दूध को हम 3 बर्तन में डाल देंगे, वो लोटा हो या ग्लास हो या बाल्टी, वो अलग अलग आकार का लेते जाएंगे लेकिन आयतन उनका वही 1 लीटर का लीटर ही रह जाएगा। क्रियाकलाप 1.4 1.5 के संदर्भ में हमने देखा कि ठोस और द्रव का विसरण द्रवों में संभव है। वातावरण की गैसें विषित होकर जल में घुल जाती हैं। ये गैसें विशेषता ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। जलीय जंतुओं तथा पौधों के लिए अनिवार्य होती है। सभी जीवधारी अपने जीवन निर्वाह के लिए श्वास लेते हैं। जलीय जंतु जल में घुले हुए ऑक्सीजन के कारण श्वास लेते हैं। हम लोग क्या श्वास लेते हैं? हम लोग ऑक्सीजन सांस लेते हैं। सभी सजीव ऑक्सीजन सांस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। जल में घुले हुए जो ऑक्सीजन होते हैं उसे जलीय जंतु सांस लेते हैं। और इस प्रकार हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि द्रव में ठोस और द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव है। ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर थोड़ा अधिक होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और रिक्त स्थान भी इनमें बहुत अधिक होता है। आकर्षण बल इनमें कम हो जाता है और रिक्त स्थान इनमें अधिक हो जाता है। गैसीय अवस्था, कभी गुब्बारे वाले पर ध्यान दिया होगा कि जो गैस एक ही सिलेंडर से बहुत सारे गुब्बारे को भरता है, उससे पता लगाओ कि एक सिलेंडर से वह कितने गुब्बारे को भरता है। उनसे पूछो क्या कि सिलेंडर में कौन सा गैस है। क्रियाकलाप 1.11 में हम देखेंगे कि 100 ml के 3 सीरीज लेंगे और उनके सिरे को रबर के कॉर्क से बंद कर देंगे, जैसा कि चित्र 1.4 में दिखाया गया है। सभी सिरिंजों के पिस्टन को हटा देंगे। पहली सिरिंज में हवा रहने देंगे, दूसरे में जल और तीसरे में चौक के टुकड़े को भर देंगे। फिर पिस्टन को वापस सिरिंज में लगाएंगे। सिरिंज के पिस्टन की गतिशीलता आसान करने के लिए उस पर थोड़ी वैसलीन लगा देंगे। अब पिस्टन को सिरिंज में डालकर संपीड़ित करने की कोशिश करेंगे। हम क्या देखते हैं कि किस स्थिति में पिस्टन आसानी से अंदर चला गया। प्रेक्षण से आपने क्या अनुमान लगाया? हमने देखा कि ठोसों और द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड़ितता काफी अधिक होती है। हमारे घरों में खाना बनाने में उपयोग की जाने वाली द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस जो होता है एलपीजी, या अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित गैस होती है। आजकल वाहनों में भी ईंधन के रूप में सीएनजी का उपयोग होता है। संपीड़ितता काफी अधिक होने के कारण गैस के अत्यधिक आयतन को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित किया जाता है और इसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है। आज हम इतना ही रहने देते हैं। कल से इसका क्वेश्चन आंसर कल करवा देंगे और आगे के भाग को हम कल से विस्तार पूर्वक पढ़ाएंगे। ठीक है, थैंक यू।